सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, स्वागत है जी आपका अपने चैनल पर। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। आज से मेरा उत्तराखंड का जो ट्रिप है वो शुरू हो रहा है। कम से कम 5 दिन का ट्रिप होगा मेरा, 5-6 दिन का। सो घर से मैं निकल चुका हूँ उत्तराखंड के लिए। देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सो चलिए चलते हैं। आज जो पहले मेरा विचार है, गुरु नानक साहब जी का गुरुद्वारा है, नानक मता साहब। सो हो सकता है पे आज पहले मैं वहाँ रुकूँ आज की रात, जा सीधा उत्तराखंड चला जाऊँ। सो चलिए चलते हैं, चंडीगढ़ के आगे निकल कर फिर प्लान करते हैं, है ना, जो भी होगा। सो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ रोपड़ में। ये जो लेफ्ट हैंड रोड जा रहा है, ये जा रहा है मनाली के लिए, और जो राइट हैंड रोड जा रहा है, ये रहा है चंडीगढ़ के लिए, और मैं जाऊंगा चंडीगढ़। सो दोस्तों, इस वक्त मैं अंबाला निकल करना, बाहर एक नुगंजा पीर जी के नाम की जगह है, वहाँ रुका हूँ थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि जब से मैं घर से चला हूँ तो कहीं रुका नहीं हूँ, यहीं पर रुका हूँ। और मैंने सोचा कि चलो भाई एक कप चाय पीते हैं। फिर आगे यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया है करनाल, फिर करनाल से मैं कट मार लूँगा मेरठ की तरफ, क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर ही जाऊँगा, मेन रोड के ऊपर ही जाऊँगा। एक अम्बाला से रोड भी कट होता है जो जगाधरी की तरफ से जाता है, लेकिन वो किसी बंदे ने मुझे मना कर दिया, बोला कि भाई आप अकेले हो, उस रोड पर मत जाओ। एक रोड भी सही नहीं है वैसे भी, थोड़ा उस रोड का हालात ठीक नहीं है बोला। तो मैंने सोचा भाई मेन रोड ही रखते हैं, क्योंकि जो मेन रोड है ये बढ़िया है सबसे। एक तो रोड भी अच्छा है, एक ट्रैफिक भी है इस रोड के ऊपर जाने के लिए, मुझे अकेले फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो जहाँ मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। देखिए शंकर जी के पास में चाय पीने के लिए रुका हूँ, और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है इस रोड का। सो ये लीजिए दोस्तों, मेरी चाय आ गई है, मैंने 2 कप बनवा लिए इस बार। यहीं से 2 कप पी के फिर मैं रुकूंगा नहीं कहीं, कम से कम 200 किलोमीटर निकल कर रुकूंगा। चाय पीते हैं और जल्दी से निकलते हैं फिर यहाँ से। सो दोस्तों, इस वक्त मैं करनाल तो जो ना मेरठ नू रोड जा रहा ना, जो उस रोड पे आ गया हूँ। सो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जमुना नदी के ब्रिज पे। ये है जमुना, जो मेरठ के रोड को, मेरठ पे हम लोग जाते हैं ना जब, उसके ऊपर ये आता है। सो दोस्तों, इस वक्त टाइम हुआ है 12:42 और मैं घर से निकला था 10 बजे। पूरी 10 बजे मैं गाड़ी में बैठ गया था और मैं तकरीबन 12:35 पर यहाँ पहुँच गया था नानक मता साहब, रात के 12:35 पर। ये यहाँ की पार्किंग है, बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं आगे गया था गुरुद्वारे में तो बंद, गुरुद्वारा साहब बंद था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, 12:30 का टाइम हो गया था। फिर मैंने भी वहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं यहीं, पार्किंग खाली थी और मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा ली और अपना सेटअप, अपना बेड खोल लिया गाड़ी के अंदर, यहीं आराम करते हैं। सुबह उठेंगे 6 बजे तकरीबन, फिर उठकर यहीं गुरुद्वारे के जो वाशरूम वगैरह वहाँ यूज़ करें, वहाँ स्नान कर माथा टेकेंगे, फिर आगे चलेंगे यहाँ से। फिर यहाँ जितने यहाँ गुरुद्वारे वो सभी घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो चलिए अब सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। सो मैंने सिर्फ 2 जगह ब्रेक ली है, एक जगह गाड़ी से मैं उतरा हूँ, एक जगह उतरा नहीं था, गाड़ी के अंदर ही मैंने बैठकर चाय पी ली थी। एक जगह मैं उतरा, वहाँ भी सिर्फ तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7 मिनट के लिए। और देख लीजिए 10 बजे से लेकर 12:30 तक कितना टाइम हो गया, 14.5 घंटे हो गए, 14.5 घंटे लगातार ड्राइव करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सो चलिए अब सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। सो
सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गुरु नानक माता साहब गुरुद्वारा, जो उत्तराखंड में है। वहाँ उसकी गुरुद्वारे की पार्किंग है, उस पार्किंग में मैं हूँ। काफ़ी अच्छी सुबह हुई है और 6 बज चुके हैं और मैंने उठकर अपना रेडी हो गया हूँ और मैं सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगा। वैसे तो लंगर में चाय चल रही होगी, लेकिन मैंने सोचा यार चलो यहाँ से अपनी कॉफ़ी बना के पी के चलते हैं, फिर जाकर पहले माथा टेकेंगे गुरुद्वारे में और फिर उसके बाद जो भी चाय लंगर होगा वो छक लेंगे, है ना। फिर आगे का प्लान करेंगे जो भी है। तो चलिए, ये देखिए मैंने अपनी सारी पैकिंग रेडी कर ली है, सब कुछ पैक कर लिया है और अभी कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा सेटअप है, अभी कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी बनाकर फिर पियेंगे, फिर चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैंने पतीले को गंदा करने की जगह मैंने सोचा कि चलो यार एक ही तो कप कॉफ़ी बनानी है, इसलिए मैंने अपना कप ही रख लिया गैस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बर्तन धोने की झंझट ख़त्म हो जाएगा फिर। सूर्य देवता निकल चुके हैं, बिल्कुल खाली है। ये देखिए कोई नहीं है यहाँ पर मेरे सिवा, एक सुबह एक गाड़ी आई थी जो माथा टेकने आते हैं लोग, और कोई नहीं है यहाँ पर। सुबह की गुरबाणी चल रही है, मैं उठा तो हूँ तकरीबन 5 बजे का, तो फिर धीरे धीरे करके वही 5:30 उठकर फिर अपनी पैकिंग वगैरह की। 6:30 हो गए हैं अब, सूर्य निकल चुका है अब। सो कॉफ़ी पीते हैं जल्दी, फिर माथा टेकेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम। दोस्तों कॉफ़ी जो मेरी है वो वनीला फ्लेवर है, वेबजिला की। तो ये बढ़िया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और जल्दी बन जाती है यार ये कॉफ़ी, है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है। अच्छा दोस्तों, पैकअप हमारा हो गया है, कॉफ़ी वगैरह फिनिश, किचन सेटअप क्लोज। तो चलिए अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में, वहाँ पर मत्था टेकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है मेरा कचरा, इसको मैंने, ये देखिए मेरा गाड़ी का ये जो बोतल होल्डर है ना, इसी में डाल लेता हूँ और जहाँ भी कहीं मुझे डस्टबिन दिखेगा मैं उसमें डाल दूँगा। यार ये जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सभी इस बात का ध्यान जरूर रखा करो, ठीक है ना, कि हमारी वजह से गंद नहीं पड़ना चाहिए कहीं पर भी। यहाँ लोगों ने देखो कितना गंद डाल रखा है, बहुत ज़्यादा गंदगी डाल रखी हुई है पार्किंग में भी। सो क्योंकि मेरा ज़्यादा कचरा नहीं था, दूध का पैकेट था और कॉफ़ी का एक पाउच था, इसलिए चलिए अब गाड़ी की हालत तो कुछ ऐसी है यार, थोड़ा सेटिंग करेंगे बाद में, फिर चलते हैं। दोस्तों ये जी गुरुद्वारा साहब का बाहरला एरिया, दोस्तों ये गुरुद्वारा साहब का मेन द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है गुरुद्वारा साहब के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं। पिपल है जिन्हों सिद्धा ने हवा च उड़ा दिता है, तो गुरु नानक साहब जी ने इनू सच करके अपना उत्थे रोक दिता है, 5 फुट जमीन तो उत्ते रोक गया है। सिद्धा ने अपनी करामात दिखाने की कोशिश की थी। अंदर भोरा साहब है, वो एक बच्चे बिठाता सीडियो में ऐड कर देनी है,
तो इतिहास भी ऐड कर दो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। बहुत ही सोहना गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है जी। गुरुद्वारे के अंदर ही उन्होंने मेरी गड्डी लवाती थी भाई साहब जी ने। चलो हम आप चलते हैं दूसरे गुरुद्वारा साहब। सो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं गुरुद्वारा श्री दूधवाला खूह, दूधवाला कुआं। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जब मर्दाना भाई मर्दाना जी सिद्धों के पास दूध लेने जाते थे तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका गुरु इतना बड़ा है तो आप अपने गुरु को बोलिए कि वो आपको दूध निकाल के दे, पैदा करके दे। तो गुरु जी ने बोला मर्दाना कुएं से दूध निकाल ले। तो वो जो कुआं था वो पूरे का पूरा दूध का भरा हुआ था। काफ़ी समय वो ऐसे रहा लेकिन फिर बाद में लोगों ने उस दूध को बेचना शुरू कर दिया। सो इस वजह से वो दूध पानी में बदल गया। ये यहाँ का इतिहास है। सो चलिए आपको आगे चल कर दिखाते हैं अंदर से। वाला चौथा कर दो जय ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो संदेश स्वागन सही हो गए तो सा बार बार हो गए तो सब मैया वरना सरोवर है जी यहाँ का। अभी दिवाली करके साफ सफाई चल रही है काम। बीच में मछलियाँ भी है। ये देखिए कितनी मछलियाँ हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ जो नानक सागर डैम है वहाँ के लिए। भाई ने बताया था कि बहुत खूबसूरत लोकेशन है वहाँ पर, आप वहाँ जाकर आना। सो लोग वहीं जा रहे हैं।
है नानक सागर डैम। ये गुरु नानक मत्था गुरुद्वारा साहब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत जगह है यार ये, बहुत ही बेहद। ये काफ़ी बड़े एरिए में फैला हुआ है। जा रहे हैं बावली साहिब गुरुद्वारा है, मर्दाना बावली। ये यहाँ पर बोटिंग वगैरह करवाते हैं लोग। दोस्तों ये जो डैम के साथ साथ एक रोड जाता है गुरुद्वारा मर्दाना बावली को, इसके साथ ना एक साइड तो देखिए डैम है, नानक सागर डैम है, बहुत खूबसूरत झील है ये। और इसके साथ ही में बिल्कुल लेफ्ट हैंड में ये एक बहुत अच्छी पार्किंग, सॉरी बहुत बड़ी सारी ग्राउंड है खुली खुली। आप अगर यहाँ पर कैंपिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी साइड है। थोड़ा नीचे मैंने देखा है पानी का भी बंदोबस्त है, नीचे पानी भी निकल रहा है थोड़ा, चल रहा था। और मेरे ख्याल से कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। इधर आप देख सकते हैं ये साइड में, लेफ्ट साइड में ये वाला। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है मर्दाना बावली। इसका इतिहास मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। गुरु नानक देव जी को सिद्धों ने बोला कि गुरुजी पूर्वी का त्यौहार आ रहा है, हमें गंगा स्नान करवाइए। तो गुरुजी ने मर्दाना को एक फावड़ी, जन की मतलब एक डंडा टाइप दे दिया और बोला कि जाओ पहाड़ों के बीच में से एक गंगा को एक लाइन खींचते हुए आ जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। तो मर्दाना जी ने जहाँ आकर पीछे मुड़कर देख लिया और यहीं पर गंगा जी फिर समा गई। ये एक कुआं बना हुआ है बावली, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर गुरु जी ने कहा कि भाई मैं यहाँ तक गंगा ले आऊँ, आगे आप ले आओ। सिद्धू ने बहुत कोशिश की लेकिन वो गंगा को आगे नहीं ला पाए, तो यहाँ तक गंगा जी आई थी। ये इस जगह का इतिहास है वो। चलिए मैं आगे भी चलकर आपको दिखाता हूँ, इस बावली को अंदर से भी दिखाऊँगा। बहुत खूबसूरत जगह है जी। तो दोस्तों ये इसे आप मिनी समंदर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका किनारा तो दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। और यहाँ बोटिंग भी होती है, ये देखिए दूसरी तरफ कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। और वो सामने जो मर्दाना जी की बावड़ी है वहाँ पर, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो यही देख सामने, ये देखिए लेके जा रही हूं आगे, यहीं पे गंगा समा गई थी, अंदर कोई है और वो बहुत बेहद खूबसूरत जगह है जी। सो ये दूसरी तरफ है ब्रिज के, सो वो सामने बोटिंग हो रही है, ये देखिए ये वाली। काफ़ी लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं। इस तरफ वो सामने किनारा दिख रहा है और इससे जाते जाते तो ख़त्म ही हो जाता, दूसरी तरफ कहीं भी आपको किनारा नहीं दिखाई देगा। सो दोस्तों ये है मर्दाना जी की बावड़ी और इसके चारों तरफ ये पानी ही पानी है, एक किस्म का समंदर है ये। सो दोस्तों ये है मर्दाना बावली, बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल दरिया समंदर के बीच में बनी हुई है। यहाँ तक गंगा आई थी जब मर्दाना जी आए थे। ये यहाँ का इतिहास है जी। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।